पुंडरी पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पुंडरी के राहुल गांधी द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत यात्रा में साथ चलने वाले प्रदीप चौधरी के निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए और बताया कि आज हरियाणा भर में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इसीलिए देश का युवा विदेशों की ओर भाग रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जो 5 राज्यों में मतदान हो रहा है, उन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जैसा कि इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, जबकि वहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी से टक्कर थी और दोनों जगह देश की मीडिया दिखा रही थी कि भाजपा आगे है, लेकिन दोनों जगह बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी, तानाशाही और भ्रष्टाचारी नीतियाँ हैं, देश के बड़े उद्योगपति समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक देश में इस कदर भ्रष्टाचार, जिससे देश की भोली भाली जनता की कमाई को डाइवर्ट कर कुछ चंद उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है देश में, और हर वर्ग का जिसमें आज नुकसान लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर अहंकार और तानाशाही इस कदर पहुँच चुकी है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए अपनी असीम सत्ता बल और धन बल का प्रयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है।